दोस्तों वीडियो में हम लोग इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे ईस्टर्न वुमेन्स वर्सेस टाइटन वुमेन्स के बीच जो होने वाला है आज का दिन का दूसरा मैच ग्लोबल क्रिकेट वुमेन्स T20 चैंपियनशिप का। दोस्तों ईस्टर्न वुमेन ऑलरेडी एक मैच खेल कर आ रहा है और दोस्तों टाइटन वुमेन्स अपना डेब्यू करेगा इस टूर्नामेंट में। कुल मिला के तीन तीन टीम्स खेलेगा टूर्नामेंट में और हर एक टीम दोस्तों आपस में दो दो मैचेस खेलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच के एनालिसिस। कुछ भी कवरेज होगा इस मैच के बाद और इस मैच का फिर फाइनल अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे। डेफिनेटली रात में दोस्तों बर्बाडोस T10 होगा जिसका डेमो टीम और ग्रैंड लीग टीम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। फिर MCA वुमेन्स भी हमने कवर किया और फ्यूचर में जो भी वुमेन्स और इंटरनेशनल मैचेस एसोसिएट मैचेस के कवरेज होंगे उसके अपडेट्स आपको मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको चुनना है टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलो इस मैच के एनालिसिस करते हैं। 5 बजे मैच स्टार्ट होगा। पिच स्टैट्स इरिन वैन विलेजर्स क्रिकेट ग्राउंड पे होगा प्रिटोरिया में। 100-120 एवरेज स्कोर है ऐसा मुझे लगता है ना इस मैच में। देखो ये अगर टाइटन बैट फर्स्ट करेगा ना इस मैच में आपको 150 भी दिख सकता है। 150 दिखेगा अगर टाइटन बैट फर्स्ट करेगा। बट इनका ओपनिंग अगर बैट फर्स्ट करेगा ना तो 100 के करीबी रन मुझे दिख रहा है। अगर देखोगे टाइटन से ओपन करेगा रॉबिन सिल एनिका बॉश के साथ सोन लूस दोस्तों, फिर माफागुला एलिस मरी मॉक्स मसाबता क्लास का प्रमोशन होता है अगर आप 15-16 ओवर के बाद विकेट गिरा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको पता ही चल रहा है नाम सुन के कि आपको किसको रखना है। बट स्टिल चलो हम लोग एनालिसिस करके समझते हैं किसको कैप विसी बना सकते हो। दोस्तों बढ़िया मैच आपके लिए हो सकता है। ध्यान से वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक करना। एंड गाइस आप अगर चैनल में न्यू होना फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस मैच के एनालिसिस। देखोगे ना यहाँ से देखो ये कुछ बैटिंग ऑर्डर होगा, स्क्रीनशॉट करके रखो इसको। सैमन लॉरेंस डिसेंट चॉइस है बट अभी इस मैच में ना मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर में खेलेगा। अगर सुन लूस एनिका बॉश वगैरह खेला, अगर नहीं खेला तो लेना। अगर सुन लूस एनिका बॉश खेल रहा है तो दोस्तों मत लो इसको। कानो को तो मत ही लो दोस्तों, सिर्फ 10 का एवरेज है 27 T20 मैच में 223 रन। बट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर एनिका बॉश रॉबिन सिल नहीं खेला तो इन प्लेयर्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। डेफिनेटली एनिका बॉश खेल रहा है तो कैप वी सी बनाओ। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर इनका बैटिंग फर्स्ट होता है ना ये बेस्ट कैप्टन पिक रहेंगी। अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ, अगर बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में हो रहा है ना बॉश का, तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत तो रिस्की कैप वी सी बन जाएंगी। क्योंकि हो सकता है कि सेकेंड इनिंग्स बॉलिंग में इसको बैटिंग ही ना मिले ज़्यादा। और ये मैंने डोमेस्टिक में रिसेंटली 2 T20 खेल के आ रहा है, टाइटन्स वुमेन के लिए ही खेला है दोस्तों, उसमें इसने बॉलिंग नहीं डाला। ठीक है तो मैं फिलहाल इसको तो नहीं लूँगा। अगर ये बॉलिंग डालती तो मैं ले लेता, बट ये टाइटन्स वुमेन के लिए बॉलिंग नहीं डाला तो यहाँ पे कहाँ पे बॉलिंग डालेंगी। और ये टाइटन्स वुमेन के लिए रिप्रेजेंट करेंगी तो शायद बॉल ना करे, सिर्फ बैटिंग करे। तो फिलहाल मैं एज अ प्लेयर इनको रखूंगा सेकेंड इनिंग्स में। अगर फर्स्ट इनिंग्स हुआ तो बढ़िया कैप्टन पिक रहेगा। रॉबिन सिल एज अ प्लेयर मैं इसको अपने टीम में रखूंगा दोस्तों, वेरी डिसेंट चॉइस मुझे दिख रही है। रॉबिन सिल जरूर रखना है अपने टीम में, मस्ट पिक है। और अगर एनिका बॉश वगैरह नहीं खेला तो बैटिंग फर्स्ट कैप्टन भी बना सकते हो, अच्छी प्लेयर है, हार्ड हिटिंग कर लेंगी दोस्तों। इंटरनेशनल भी खेल चुकी है साउथ अफ्रीका के लिए। माफुंगाला को फिलहाल मैं नहीं लूंगा ग्रैंड लीग में। अगर बॉश और सुनलुस नहीं खेलता है तो यूज़ करना, अदरवाइज मत करना। सुनलुस अगर डेफिनेटली खेलेंगे दोस्तों कैप वी सी बना लो। बट एक चीज़ क्या है पता है, इन्होंने रिसेंटली जो T20 खेला था ना सुनलुस, उसमें बॉलिंग किया था टाइटन्स के लिए और वन डाउन बैटिंग करेंगी। तो दोस्तों बैट फर्स्ट हुआ या फिर बॉल फर्स्ट हुआ, सबसे सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन में से एक रहेगा सुन लूस, जो आपके लिए मस्ट हैव कैप्टन वाइस कैप्टन। एलिस मरी मार्क्स आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे एंड मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग, तो दोस्तों इसको बॉल फर्स्ट जरूर कैप्टन बनाओ। बॉल सेकंड भी बना सकते हो बट बॉल फर्स्ट जरूर बनाना, अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन है और रिसेंटली साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहा है। बहुत तगड़ा टीम है दोस्तों, वन साइडेड मैच होगा। अगर बॉल फर्स्ट हुआ तो भयंकर वन साइडेड होगा, अगर बैट फर्स्ट हुआ स्टिल वन साइडेड इनको विन करना चाहिए अगर सीनियर प्लेयर खेला इंटरनेशनल प्लेयर। क्रिस्टिल वेंडर शरीफ मैं फिलहाल नहीं लूंगा, T10 खेल के आ रहे हैं दोस्तों। मवाटेल 13 मैच 8 ओवर 4 विकेट नमीबिया का प्लेयर है। मसाबता क्लास सबको पता है इंटरनेशनल खेलते हैं साउथ अफ्रीका के लिए बाय डिफॉल्ट पिक। अगर बॉल फर्स्ट हुआ कैप्टन भी बना सकते हो, इवन बॉल सेकंड भी बना सकते हो। मैंने कई बार देखा कि इनको ना टीम प्रमोट करते हुए मतलब ऊपर आ जाते हैं दोस्तों विकेट गिरने के बाद हार्ड हिटिंग के लिए। मदीशा T20 वगैरह 2 मैच 7 ओवर 4 विकेट अच्छा डिफेंशियल है। लिगोडी दोस्तों रिसेंटली T20 वगैरह अंडर-19 खेल के आ रहा है। देखो वेंडर हवेल भी अच्छा खेला रिसेंटली, T20 0 विकेट डोमेस्टिक ओडिया 1 विकेट। देखो यहाँ पे ना मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडिट वगैरह नहीं किया इनके रिसेंट फॉर्म, बट मैं एक चीज़ आपको एकदम से मस्ट बता रहा हूँ, आपको एकदम से डिफॉल्ट आप समझ लो ठीक है। वो क्या है क्या पता है,
ये जो टीम है ना, देखो इनका रिसेंट रिकॉर्ड एकदम से, मैंने ये लिगोडी, वेंडर ह्यूबिल, मदिशा का स्लाइटली चेंज हो सकता है, अलग अलग साइट में अलग अलग है, 2022 का है कुछ, 2023 का है, तो ये एकदम से कंफर्म मत मानो, बट एकदम क्लियरली समझ लो एक बात, अगर इस टीम ने बॉलिंग फर्स्ट किया और सुनलुस वगैरह खेला जो मुश्किल खेलेंगे, तो दोस्तों आप इनके ज़्यादातर बॉलिंग ऑप्शंस रख लो, जैसे कि ये भी बॉलिंग ऑप्शन है, ह्यूवेल, लगोडी, मदिशा, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि ओपोनेंट का 4 विकेट गिर गया 10-12 रन पे, उसके बाद ना सीनियर प्लेयर ने ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया या फिर बॉलिंग नहीं किया और इनके जूनियर प्लेयर्स को मौका दे दिया, तो इसलिए और ये चेस कर लेंगी अगर कम रन चेस करने को मिलेगा, और इजीली ये चेस करेंगे, तो इनके फेवर में ही टीम बनाओ जैसे भी हो, कम्बिनेशन के साथ। फाइनल कवरेज मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, बट हाँ आपको इस मैच का टीम बनाना है, और क्लियरली मैं दे दिया, लिगोडी भी बॉलिंग करेगा, ह्यूवेल भी बॉलिंग करेगा, मदिशा भी बॉलिंग करेगा, तो डेफिनेटली इन प्लेयर्स को अपनी टीम में ट्राई करना है, स्पेशली बॉल फर्स्ट। अब देखो ईस्टर्न, अगर इनके ओपोनेंट ने सीनियर प्लेयर सुन लूस वगैरह नहीं खेला, या फिर अनिका बॉश, मसाबता क्लास, एलिस मेरी मार्क्स, ये 4 प्लेयर, सुन लूस, एलिस मेरी मार्क्स, मसाबता क्लास और एनिका बॉश, ये 4 प्लेयर अगर नहीं खेलता है ना, और उसके बाद ईस्टर्न का बॉलिंग होता है, तो दोस्तों ईस्टर्न के बॉलर्स को रखो, बट अगर वो 4 प्लेयर खेलती है तो दोस्तों उनके फेवर में ही टीम बनाओ एनी हाउ, ठीक है। इस टीम से कुछ प्लेयर अच्छे है दोस्तों, ये पहला मैच खेल के आ रहा है, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहूँगा इस टीम से जो अच्छी प्लेयर है, एम गुरासिस, बॉलिंग फर्स्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली नामीबिया के लिए डेथ में बॉलिंग किया, 15 ओवर के बाद बॉलिंग के लिए किया था, बहुत कम बॉलिंग है, 38 मैच में सिर्फ टी इंडिया में 9 ओवर है, बट रिसेंटली वो 9 ओवर आया, रिसेंटली मतलब अभी अभी टूर्नामेंट खेल के गया नामीबिया वुमेन दोस्तों, उसमें अफ्रीका वुमेन्स क्वालिफायर कुछ ऐसा खेल के गया था, उसमें बॉलिंग किया था गुरासिस ने, और इनके साथ ओडा वगैरह को मत लो इस मैच में, जरूरी नहीं है, रुडोल्फ और वैनविक इस टीम का सबसे बेहतरीन बॉलर, स्पेशली बॉल फर्स्ट रुडोल्फ सबसे सही प्लेयर है, इसको तो बोथ कंडीशन रखो, वैनविक को भी दोस्तों बॉल फर्स्ट यूज कर सकते हो, वेरी डिसेंट कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये 2 प्लेयर रहेंगी, और इन दोनों का मैंने रिसेंट रिकॉर्ड बताया 2023 में जो क्रिकेट खेल के आ रहा है वो रिकॉर्ड यहाँ पे रिटेन है वनडे और T20 में, ठीक है, ये दोनों सही प्लेयर है, स्पेशली रुडोल्फ सबसे सही प्लेयर है, टीम ने अगर बॉलिंग फर्स्ट किया ना, ये 4 ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से ये तो बोथ कंडीशन सही है, वैन विक भी बोथ कंडीशन ठीक ठाक है, बट अगर बॉल फर्स्ट हुआ मिशेल एडवर्ड्स और पी कोपिन को यूज कर सकते हो, स्पेशली इफ दे गो ना बॉल फर्स्ट अलोंग विद गोरासिस, ये 5 ऑप्शन, अगर बॉल फर्स्ट हुआ ये 5 के बीच ट्राई करना, बॉल फर्स्ट बॉल सेकेंड जो भी हो कुछ भी ऐप हो दोस्तों, रुडोल्फ इस टीम का सबसे सही वाला प्लेयर है, ओके। बाकी टीम बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये मैच ये हारने भी वाले हैं दोस्तों, इनका बैटिंग यूनिट तो है ही नहीं, बहुत ज़्यादा वीक टीम मुझे दिख रहा है बैटिंग से, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखा, यहाँ पे रुडोल्फ ओपन आएगा, ठीक है, ये मैंने लास्ट स्लाइड में चेंज कर दिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रुडोल्फ आपको ओपन करते हुए दिखेगा डोमेस्टिक में, रुडोल्फ और माशियो लोवन ने ओपन करते, बट एरिका ओडा जापान की प्लेयर है जो खेलने वाली है, तो शायद वो ओपन कर ले, जापान के लिए वो ओपन करती है, तो मशो वाले ने जो है ना ये प्लेयर है ना पुमेलेलो, ये दोस्तों वो शायद 1 डाउन खेल ले या फिर नीचे खेल ले, ठीक है, ऐसा कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। अब चलते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में, देखो दोस्तों फिलहाल जो मेरा टीम है ना उसमें आप देख सकते हो गोरासी से हमारे पास एनिका बॉश, रॉबी सिल, सुन लूस, वाइस कैप्टन एलिस मेरी मार्क्स, मैंने दोनों ऑलराउंडर ले लिया, रुडोल्फ और वैनविक, और एक इंटरनेशनल प्लेयर को रख लिया, ठीक है। यहाँ से अभी मेरा कैप्टन है मसाबता क्लास, एलिस मेरी मार्क्स वाइस कैप्टन है, एल मदिशा, मेगोथी और वेंडर और कुछ है। देखो अब ध्यान दो, मेरा जो ये कम्बिनेशन है ना KBC वाला, ये बॉल फर्स्ट सही है बट बैट फर्स्ट सही नहीं है। बैट फर्स्ट क्या करने वाला हूँ मैं, पता है, बैट फर्स्ट अगर इतना सारा ऑप्शन खेला ना, यहाँ से किसी एक को ड्रॉप करके इनके एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, बट कुछ करूँ ना करूँ मैं बॉल फर्स्ट, देखो एक तो हो गया कि इनके एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो एम एडवर्ड्स, लाइक ईस्टर्न वुमेन का अगर बॉल फर्स्ट होता है ना, वैसे में यहाँ पे आप मदिशा और लिगोडी के जगह ना पोपकिन और एडवर्ड्स को ले सकते हो, और इनके साथ एनिका बॉश को कैप्टन बना के ना सुन लूस को VC या फिर सुन लूस को कैप्टन जो पार्ट टाइम बॉलिंग करेंगी, एनिका बॉश को VC, बट ये ऑप्शन आपको KBC कम्बिनेशन स्पेशली इफ देखो ना बॉल फर्स्ट सही है, इफ देखो ना बैट फर्स्ट सही है, बट इफ देखो ना बॉल फर्स्ट तो डिफॉल्ट इनके बॉलर्स को KBC बनाओ, मे भी हो सकता है सुन लूस का बैटिंग ही ना आए, हो सकता है कि एनिका बॉश और रॉबिन सिल को 60-70 रन का चेस मिले, तो ये सिर्फ बैटिंग से कितना पॉइंट देंगे 60-70 रन पे, ये आपको 30-40 बनाते हुए देखेंगे, ये भी तो 30-40 बनाएंगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ग्रैंड लीग खेलते हो ना तो इनको भी कैप्टन बना लो बैट फर्स्ट, बढ़िया चॉइस रहेगा। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के रिलेटेड, एंड अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इसका लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और जुड़ जाओ टेलीग्राम। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।